सो गाइस अभी के टाइम पे वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी से रिलेटेड अगर कोई चैनल टॉप पर है तो वो है एनएसजी पिक्चर्स एज कम्पेयर टू दीज यूट्यूबर्स। अब गाइस ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गाइस अभी के टाइम पे जो एनएसजी पिक्चर्स नाम का जो चैनल है वो अभी गाइस इतना ज़्यादा प्रोफेशनल है कि अगर कोई क्रिएटर नया क्रिएटर अगर कोई वीडियो सर्च करता है तो हर तरीके का कंटेंट गाइस उसको इस चैनल पर मिल जाएगा एंड गाइस सब कुछ क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। अब गाइस ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गाइस उनके जो यूट्यूब वीडियोस के थंबनेल्स होते हैं गाइस वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं कि गाइस कोई भी क्रिएटर अगर उनकी वीडियो को सर्च करता है तो गाइस वो उनकी वीडियो को देखे बिना जा ही नहीं सकता, अगर गाइस वो इस कैटेगरी में अगर सर्च करता है तो। अब गाइस मैं आप सभी को बता दूं कि गाइस अभी पिछले 28 डेज में एनएसजी पिक्चर्स के चैनल ने 6 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ एंड 50,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन किए हैं। अब गाइस इसका रीज़न भी यही है कि उनके यूट्यूब वीडियो के थंबनेल एंड उनकी वीडियोज़। अब गाइस जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी कुछ टाइम पहले उनका जो एक यूट्यूब चैनल था जो अभी जो जिस पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर उन्होंने कंप्लीट कर लिया था, बट वो यूट्यूब से डिलीट हो गया बिकॉज गाइस उसके ऊपर 9 स्ट्राइक आए थे एंड उसका रीज़न। अब गाइस आप सभी को ये तो पता चल गया होगा कि उनका जो चैनल डिलीट हुआ था बट उन्होंने दोबारा कमबैक किया, उनका चैनल इतना ज़्यादा ग्रो क्यों हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि गाइस क्यों इतना ज़्यादा ग्रो हो गया, क्योंकि गाइस आप सभी को पता होगा कि जब उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो उन्होंने दोबारा अपना पिक्सआर्ट लाइटरूम से रिलेटेड वीडियो नहीं डाली थी, उन्होंने कुछ एडवांस लेवल का डाला था जो कि गाइस आपको पता होगा कि ऑडियंस जो है डे बाय डे चेंज होती जा रही है। जैसे कि स्टार्टिंग में पिक्सआर्ट से रिलेटेड जो है ऑडियंस बहुत ज़्यादा थी जिनको पिक्सआर्ट में फोटो एडिट करना ज़्यादा पसंद था, क्योंकि वो फोटो एडिटिंग का न्यू ट्रेंड था। बट गाइस धीरे धीरे जैसे जैसे ऐप अपग्रेड होते गए तो गाइस ऐप नए नए तरीके के आते रहे, तो आप सभी को पता होगा कि वहाँ पे एनएसजी पिक्चर ने कुछ फोटोशूट से रिलेटेड वीडियो डालना शुरू किया था जिसमें गाइस काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे थे एंड उस टाइम पे जो फोटोशूट से रिलेटेड वीडियो डालने वाले ज़्यादा लोग नहीं थे, यानी इसमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा नहीं था। तो उसी को लेकर गाइस एनएसजी पिक्चर का माइंडसेट ऐसा था कि उन्होंने ये सोचा था कि अब अगर वो फोटोशूट से रिलेटेड वीडियो डालते हैं तो गाइस उनकी वीडियो वायरल हो सकती है, क्योंकि गाइस फोटोशूट की डिमांड थी उस टाइम पे एंड गाइस फोटोशूट की डिमांड आज भी है, वो आज भी ये वीडियोस कभी कभी अपलोड करते हैं। बट गाइस उन्होंने दोबारा से अपना चैनल स्विच कर दिया जहाँ पे गाइस आप सभी को पता होगा जहाँ पे वो फोटोशूट से रिलेटेड वीडियो डालते थे तो अब वो गाइस AI के ऊपर कन्वर्ट हो चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा AI जो है अभी गाइस ऑटोमेटिकली सबकी फोटोज एंड वीडियोज को एडिट कर देता है ओनली वन क्लिक में। तो बट गाइस अभी के टाइम पे जो है वो AI से ही रिलेटेड वीडियो डालते हैं, जैसे कि आपने उसके रिसेंट वाली ये वाली वीडियोज भी देखी होगी जिन पे गाइस उन्होंने AI से फोटो को अपनी एडिट किया, गाइस काफी अच्छे तरीके से उन्होंने बताया इसमें। तो आप लोगों को पता होगा कि गाइस ये जो मतलब एनएसजी पिक्चर्स हैं वो गाइस अपने कंटेंट को जो है हमेशा ऑडियंस के थ्रू लेके चलते हैं, वो उनको ये चीज़ मतलब वो ऑब्जर्व करते हैं कि ऑडियंस जो है रियलिटी में क्या मांगना चाह रही है। जैसे कि आप सभी को पता होगा उन्होंने एक फोटो ब्रेकडाउन का भी सीरीज निकाले थे जिसमें वो गाइस फोटो का ब्रेकडाउन निकालते थे, बट गाइस उसके जैसा अभी मतलब कि कोई भी यूट्यूब पे ऐसा कोई क्रिएटर नहीं जो फोटोज का ब्रेकडाउन करता हो, जो सब कुछ अपने सीक्रेट्स बताता हो, बट गाइस वो एनएसजी पिक्चर अपने सभी सीक्रेट्स बताते थे। इसी का रीजन है कि गाइस अभी उन्होंने दोबारा से 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए। अब गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाई है, अगर करा है जो भी किया उन्होंने किया बट मेरा इसमें वीडियो बनाने का रीजन क्या है। अब मैं गाइस आपसे ये बता दूं कि आप में से भी बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर होंगे जो मेरी वीडियोस को देखते हैं एंड वो आप में से बहुत से लोग क्रिएटर होंगे, तो गाइस आप लोगों को मैं फोटो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग सिखाता हूं, तो गाइस मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट करूं और आप लोगों को बताऊं कि गाइस अगर आप लोग जो कंटेंट बना रहे हो अगर आप उसमें डे बाय डे इंप्रूवमेंट लाओगे, यानी कि इंप्रूवमेंट कैसे लाओगे, गाइस आप अगर ऑडियंस के थ्रू चलोगे कि ऑडियंस की मांग क्या है, ऑडियंस क्या चाहती है और ऑडियंस क्या चल रहा है ऑडियंस के दिमाग में आजकल, अगर आप उसके थ्रू वीडियोस बनाते हो तो गाइस आप लोगों को भी ग्रो होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड यहाँ पे गाइस मैं किसी को बढ़ावा या किसी को नीचा दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाई है, मैंने बस ये वीडियो इसलिए बनाई है कि आप लोगों को वीडियोस जो है और फोटोज एडिटिंग जो है वो ऐसे करनी है कि आप लोगों को पहले ये देखना है कि आजकल की जो जनरेशन है वो क्या चीज़ मांग रही है, अगर वो चीज़ अगर फोटो से रिलेटेड है और वीडियोग्राफी से रिलेटेड है तो आपको उसके थ्रू जाना है। एंड गाइस हर दिन हर चीज़ अपग्रेड होती जा रही है धीरे धीरे, तो आप लोग इन चीज़ों के साथ चलो, ना कि एक चीज़ पर टिके रहो, हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करो एंड गाइस ज़्यादातर कोशिश करो कि आप अपने कंटेंट में हर चीज़ ढूंढते रहो। बाकी गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, तो आई होप कि आप सभी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी चले मैं तो नेक्स्ट वीडियो में, तो कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।